हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम किसी भी नंबर लाइन को या किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। पिछले वाले वीडियो के अंदर बेसिक का जो 41 वाला वीडियो था, नंबर लाइन का फर्स्ट वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने नंबर लाइन के कुछ रूल्स और बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शंस को कैसे दिखाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, हमारा वीडियो नंबर बेसिक 42 देखा होगा या नंबर लाइन का वीडियो नंबर 2 देखा होगा, तभी आप इस वीडियो पे पहुंचे हो। तो मेरे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 4 बाय 6 ऑन नंबर लाइन। ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के अंदर दो कैटेगरी थी, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होता था कि ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा। यहाँ पे 4 बाय 6 है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे कोई नेगेटिव की साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। इतना तो क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर होने के बाद हम यहाँ पे रूल्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो 4 बाय 6 है हमारे पास, ये जो 4 बाय 6 नंबर है वो फ्रैक्शन में आता है, वो भी प्रॉपर में आता है और वो भी पॉजिटिव में आता है। तो पॉजिटिव में आने की वजह से ये नंबर किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। और 0 और 1 के साथ साथ में हमें नंबरिंग कहाँ पे करनी है, पॉजिटिव साइड, मतलब राइट हैंड साइड में नंबरिंग करनी है, ये आपको याद रखना है। तो रूल्स के हिसाब से चलना है, आपके आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर है और पॉजिटिव है, इसलिए ये 4 बाय 6 है और 0 और 1 के बीच में आएगा। और नंबरिंग हम राइट साइड में करेंगे, मतलब नंबरिंग करते वक्त हम 0 से शुरुआत करेंगे और 1 की ओर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं रूल्स को यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मुझे मालूम है कि 4 बाय 6 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, साथ में ये पॉजिटिव भी है, और इसी की वजह से ये है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो मैं पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, -1, -2, -3 और -4। अब मुझे मालूम है कि ये जो 4 बाय 6 है वो तो 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। तो मुझे 0 और 1 के अलावा जो नंबर लाइन का जो पोर्शन है वो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया। मैंने इसको जूम कर लिया। अब कोई भी फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे दिखाते हो तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपको कितने टुकड़े करने हैं, कितने पार्ट बनाने हैं वो आपको दिखाता है। यहाँ पे आपको 6 पार्ट करने होंगे, मतलब 5 लाइंस करनी होगी। 6 पार्ट करने के लिए आपको 5 लाइंस करनी होगी, वो भी इक्वली। मैं तो हाथ से कर रहा हूँ मगर आपको स्केल से करना है। तो देखो, मैं 1, 2, 3, 4 और 5, मैंने 5 लाइंस कर दी तो ऑटोमेटिक 6 पार्ट्स हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पार्ट मैंने क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे नीचे 6 था, राइट। अब मैंने रूल्स के अंदर आपको सिखाया था कि नंबरिंग, आपको देखो ये फ्रैक्शन प्रॉपर पॉजिटिव, नंबरिंग कहाँ से करनी है, 0 से 1 की ओर जाना है और राइट साइड में नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। देखो, टोटल 6 पार्ट थे, उसमें से ये मेरा पहला पार्ट है, यहाँ से 0 से 1 की ओर नंबरिंग करते हुए जाना। सेकेंड पार्ट है 6 पार्ट में से, थर्ड पार्ट है 6 पार्ट में से, फोर्थ पार्ट है 6 पार्ट में से और ये 5th पार्ट है 6 पार्ट में से। अब हमारा नंबर क्या था, 4 बाय 6, ये रहा 4 बाय 6, डॉट कर दीजिए इसको, ये आपका आंसर हुआ। अब नीचे वाला लेते हैं, -3 बाय 4 है। तो रूल्स को देखते हैं एक बार। इम्प्रॉपर, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है,
माइनस थ्री बाय फोर प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, ऊपर छोटा है इसलिए प्रॉपर है, मगर आगे माइनस की साइन होने की वजह से ये नेगेटिव में चला जाएगा। और नेगेटिव वाले नंबर कहाँ आते हैं, जीरो और माइनस वन के बीच में आते हैं। नंबरिंग आपको लेफ्ट साइड से करनी है, मतलब नंबरिंग करना हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और माइनस वन की और लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे इतना पता चल गया कि माइनस थ्री बोर थ्री बाय फोर है वो तो प्रॉपर है, मगर प्रॉपर में ये नेगेटिव है इसीलिए ये माइनस वन और जीरो के बीच में आने वाला है। तो पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री। अब मुझे मालूम है कि माइनस वन और जीरो के बीच में आने वाला है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने से क्या हो जाएगा कि आपको क्लियर दिख जाएगा कि कहाँ पे मुझे नंबर रखना है, माइनस वन और ये जीरो। अब नंबरिंग रूल्स के हिसाब से फ्रैक्शन प्रॉपर और नेगेटिव हो तो नंबरिंग कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में होती है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में नंबरिंग करूँगा। कितने पार्ट करने थे, फोर पार्ट करने थे, मतलब थ्री लाइंस करूँगा, वन टू थ्री। यहाँ पे मैंने इक्वल पार्ट्स नहीं किए हैं, ये आपका वन, ये टू और ये थ्री, इसको आप कट कर देना, ये वन ये टू और ये थ्री, और ये आपको फोर भी करना होगा क्योंकि फोर पार्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे वन टू थ्री। मैंने इक्वली पार्ट्स नहीं किए हैं, आप स्केल से करोगे तो इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। ये आपका वन पार्ट हुआ, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, और ये थर्ड पार्ट हुआ, और ये फोर्थ पार्ट हुआ। तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी थी, इसलिए आप जीरो से माइनस वन की ओर चलोगे तो ये आपका माइनस वन बाय फोर हो गया, माइनस टू बाय फोर हो गया, माइनस थ्री बाय फोर। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था इसलिए वन लिखा, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था, और ये फोर्थ पार्ट पर, तो माइनस वन आ जाएगा। और हमें ढूंढना था माइनस वन बाय माइनस थ्री बाय फोर, तो ये आपको माइनस थ्री बाय फोर मिल गया। ये इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो। अभी हम आगे बात करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। मैंने आपको रूल्स वाले में सिखाया था कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो पहले उसको आप मिक्स में चेंज कर लो। तो मैं इसको मिक्स में चेंज कर रहा हूं, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट, ये मिक्स में हो गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज कर दिया, अब ये चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे कोई नेगेटिव की साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में हम कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव में हम, ये रहा आपका वाई, वैसे हमारे पास यहाँ पे टू है, तो हम होल नंबर के राइट साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे होल नंबर क्या है, टू है, तो टू के राइट साइड में जाओगे नंबर लाइन के ऊपर तो आप क्या, आपको क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। मतलब कि ये जो एट बाई थ्री है या फिर टू होल टू बाई थ्री है, वो टू और थ्री के बीच में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नंबर टू और थ्री के बीच में लाई करने वाला है। तो मैं पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू। अब हमारे लिए रिक्वायरमेंट पोर्शन कौन सा है, टू और थ्री का ही है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। यहां पे टू आएगा और यहां पे थ्री आ जाएगा। अब कितने पार्ट करने थे आपको, थ्री पार्ट्स करने थे, इसलिए मैं दो लाइन करूंगा, फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपका देखो राइट साइड है, तो नंबरिंग राइट साइड से करोगे, टू से थ्री की ओर जाना है आपको, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब ये थर्ड पार्ट में से ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए वन बाई थ्री, ये सेकंड पार्ट है इसलिए टू बाई थ्री, और ये थ्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, टू है, इसलिए आपको टू लगाना पड़ेगा, यहां पे भी टू लगाना पड़ेगा।
अब आपका आंसर 8/3 मतलब 2 होल 2/3 कहाँ पे आ रहा है, देखो ये रहा यहाँ पे, तो आप इसको डार्क कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। अभी हम एक माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको मिक्स मैचिंग कर देते हैं, ये भी इम्प्रॉपर में है, इसीलिए 3 2 जा 6 -1 = -1/3 हो जाएगा। अब ये इम्प्रॉपर को मिक्स में कर दिया, और मिक्स में ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव में है, तो मिक्स में नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, वाई को वाई से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे वाई कौन है, -2 है, तो -2 के लेफ्ट साइड में जाओगे आप, -2 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। इट मीन्स ये नंबर -3 और -2 के बीच में लाई करने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 1 2, -1 -2 और -3। अभी नंबर किसके बीच में आने वाला है, -3 और -2 के बीच में, तो इसको आप इसको जूम कर लो, -3 और -2। अब मुझे कितने पार्ट करने थे, 3 पार्ट करने थे, नीचे वाला नंबर हमेशा पार्ट दिखाता है, 3 पार्ट करने हैं मतलब 2 लाइन करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हमें, लेफ्ट साइड से, माइनस में ऐसे लेफ्ट साइड नंबरिंग करना पड़ेगा, तो -2 से 3 पार्ट करने हैं आपको, तो मैं 2 लाइन करूँगा, फर्स्ट सेकेंड, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ, और ये आपका थर्ड पार्ट हुआ। तो फर्स्ट पार्ट है इसलिए 1/3, सेकेंड पार्ट इसे 2/3, सबके आगे माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में -2 है, तो यहाँ पे आपको -2 लगाना पड़ेगा। तो देखो -2 होल 1/3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो। क्लास 8 की जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, रेशनल नंबर वाला पहला चैप्टर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसमें ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इवन 9 क्लास के अंदर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन आता है पढ़ने में, तो उसमें भी ये कंसेप्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वैकेशन बैच चल रही है, बट COVID-19 की वजह से लॉकडाउन हो चुका है, हमारे पास अभी कोई बैचेस अवेलेबल नहीं है या अभी कोई बैचेस चल नहीं रही है, तो हम ट्राई करते हैं कि सारे जो कंटेंट हैं, सिलेबस है, हम ऑनलाइन करें ताकि बच्चे घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, हमें वॉच करने के लिए, स्टे ट्यून विथ अस, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।